तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने किया ऐलान, ममता बनर्जी चाहे तो AIMIM गठबंधन करने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता से तैयार। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को मिला ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का साथ, अखिलेश बोले महागठबंधन को बेईमानी से हराया और बीजेपी ने धोखाधड़ी से बनाई है बिहार में अपनी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैदियों की स्थिति को लेकर योई को लगाई फटकार, कहा कैदियों के भी होते हैं मानव अधिकार, जेल की हालात सुधारे तत्काल योगी। तो वहीं आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के हमले के बाद भारत और पाक सीमा पर बना तनाव, तो महबूबा मुफ्ती बोली मोदी तत्काल इमरान खान से करे बात, नहीं तो हो सकता है सीमा पर युद्ध। तो वहीं आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा किसी से भी नहीं करेगी समाजवादी पार्टी गठबंधन, अकेले ही लड़ेगी 2022 का विधानसभा चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी और चिराग में बड़ी टेंशन, एनडीए से बाहर करना चाहती है चिराग को जेडीयू, बीजेपी पर बढ़ाया दबाव, कहा या फिर आप चिराग को रखो अपने साथ या फिर छोड़ देते हैं हम पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे कि कमलनाथ से नाराज हुए राहुल गांधी छीन सकते हैं पीसीसी चीफ का पद, कमलनाथ ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बुरा हराया। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM ने ममता बनर्जी को दिया गठबंधन का ऑफर। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर आज AIMIM पार्टी ने बड़ी घोषणा की है। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 विधानसभा सीटें जीती, जिसके बाद आज असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अगर ममता बनर्जी चाहें तो AIMIM पार्टी ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है और हम पश्चिम में ममता के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। जहां दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने आज ऐलान कर दिया कि अगर ममता बनर्जी चाहें तो वह गठबंधन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। भाई आपको बता दें कि इसी को लेकर बीजेपी ने भी बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने कहा है कि अगर वह AIMIM पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल में गठबंधन करती है तो इससे बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत होगी और जरूर जीतेगी। यह बीजेपी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी यादव को मिला ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का साथ। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से बिहार की जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। पूर्ण बहुमत मिलने के बाद राजद कांग्रेस ने आरोप लगाए कि वोटों की गिनती के दौरान भाजपा ने धांधलेबाजी कर अपनी सरकार बनाई है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि इन सब के बीच ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने एक साथ तेजस्वी यादव का खुला समर्थन किया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार में सियासी घमासान के बीच RJD और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव से फोन पर बात की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने ममता को बताया है कि उनकी 130 सीटों पर जीत हुई है लेकिन उन्हें जबरन हराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेजस्वी को अपना साथ देते हुए उन्हें अपनी लड़ाई जारी रखने की सलाह दी है और उनके साथ हुई धोखाबाजी को गलत करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी यादव से फोन पर बात की और तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बेईमानी कर सरकार बनाई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इन लोगों ने EVM में पहले ही घोटालेबाजी की, उसके बाद जब वोटों की गिनती हो रही थी तब भी इन्होंने अपने जेडीयू के सांसद, बीजेपी के सांसद और DMRO सब पर दबाव बनाया और जीते हुए तेजस्वी यादव को बिहार में चुनाव हराया है और इन्होंने बेईमानी कर बिहार में सरकार बनाई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में रिकाउंटिंग हो और दोबारा से मतों की गिनती हो, जिससे बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी और कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बने। तो ये गंभीर आरोप अखिलेश
अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर बिहार में लगाए हैं। तो तेजस्वी यादव को ममता बनर्जी और आपको बता दें अखिलेश यादव का पूर्ण रूप से समर्थन मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी को लगाई फटकार, कहा जेल की स्थिति सुधारे योगी, कैदियों के भी होते हैं मानवाधिकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कैदियों की स्थिति को लेकर योगी को फटकार लगाई है और निर्देश दिए हैं कि वह बस्ती जिला जेल की हालात को सुधारे और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने ये बड़ी फटकार योगी को लगाई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में बस्ती जिला जेल की लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव ने जेल का मुआयना कर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि बस्ती जिला जेल में कैदियों के रहने खाने के अलावा इसकी क्षमता से बहुत अधिक कैदियों को योगी सरकार ने भर रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अच्छी तरह से तय है कि कैदियों के भी मानव अधिकार होते हैं और रिपोर्ट में जिन जरूरतों पर जोर दिया गया है वो जेल में बिल्कुल नहीं है। आखिरकार योगी सरकार प्रदेश में क्या कर रही है? योगी को सरकार को तलब अब कोर्ट ने किया है। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पैरोल की सुनवाई में बेवजह देरी होती है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, कैदियों को पढ़ने के लिए शिक्षक हैं मगर वो आते नहीं हैं, सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित हुए कैदियों को क्वारंटीन रखने की सुविधा नहीं है, जिसके बाद ये फटकार योगी को कोर्ट ने लगाई और कहा कि तत्काल जेल की स्थिति सुधारे और इनमें ज्यादा कैदी भरे हुए हैं, इन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के हमले के बाद भारत और पाक सीमा पर बड़ा तनाव, महबूबा मुफ्ती बोली मोदी तत्काल इमरान खान से करे बात। जहां दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार की देर रात को पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला किया गया, जिसमें भारत के 6 जवान शहीद हुए और 7 नागरिकों की मौत हो गई। अब इसी को लेकर दोनों ही देश की सीमा पर तनाव बढ़ गया है और लगातार दोनों ही तरफ से भारी गोलाबारी हुई है, जिसकी चिंता अब महबूबा मुफ्ती ने की है। नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर बनी सहमति को बहाल करना अच्छी शुरुआत हो सकती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तत्काल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान से बात करें और इस मसले को सुलझाएं, क्योंकि दोनों ही तरफ से जम्मू कश्मीर पर ये हमले हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सहमति बन जाए जिसके बाद तनाव को कम किया जा सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इमरान खान से बात करें और ये अच्छी शुरुआत होगी और तनाव कम होगा। वहीं आपको बता दें कि हुर्रियत नेताओं ने भी सरकार से बात करने की अपील की है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों जम्मू कश्मीर से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने किया ऐलान, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नहीं करेगी गठबंधन, अकेले लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2022 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव में वह किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी और इसके बदले छोटे छोटे दलों से तालमेल किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हमने 2017 में जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें हमारी करारी हार हुई थी, क्योंकि हमने कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों से गठबंधन किया था, लेकिन इस बार हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वह बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों से उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। यानी अखिलेश ने ऐलान कर दिया है कि इस बार वह बिना गठबंधन के ही उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बराक ओबामा की टिप्पणी के बाद राहुल के समर्थन में उतरी शिवसेना, राहुल के लिए शिवसेना ने बोल दिया बराक ओबामा पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें
कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी को कम योग्यता और नर्वस बताए जाने की बात पर शिवसेना ने अब राहुल गांधी का समर्थन करते हुए बराक ओबामा पर ही हमला बोल दिया है। जो दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के नेता संजय रावत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक विदेशी राजनेता भारतीय राजनेताओं पर इस तरह की राय नहीं दे सकता है क्योंकि बाद में इस पर घरेलू राजनीति पर फर्क पड़ता है। आगे शिवसेना ने कहा है कि हमने ये नहीं कहा कि ट्रंप पागल हैं। ऐसे में ओबामा कैसे इस देश के बारे में जानते हैं और राहुल गांधी के लिए ऐसा उन्होंने बोला कैसे, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, वह राजनीति अपनी अमरीका में ही चलाएं, भारत में उनकी राजनीति नहीं चलेगी। हमने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को पागल नहीं किया, लेकिन सच में डोनाल्ड ट्रंप पागल है। जी दोस्तों, ये बड़ा सवाल शिवसेना ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए ओबामा पर दाग दिए हैं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी की बड़ी मुश्किलें, मोदी के विरोध में उतरी अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला से कांग्रेस ने मिलाया हाथ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जब से केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया है तब से मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे देश में जम्मू कश्मीर की पार्टियां हों या फिर विदेश में पाकिस्तान और चीन की दखल हो। वहीं आपको बता दें इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि जब से अनुच्छेद 370 और 35 का विरोध जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां ही कर रही थी, इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही कि अब इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस भी खड़ी हो गई है और कांग्रेस ने आज महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला से हाथ मिला लिया है और गुपकार बैठक में उसने भी गठबंधन कर लिया है। वहीं मोदी सरकार का कांग्रेस ने विरोध करते हुए ऐलान किया है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुच्छेद 370 और 35 के प्रावधानों को फिर से बहाल कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्टेट बना दिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि हम चीन सहित अन्य देशों की मदद से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल कराएंगे, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला ने भी पहले ऐलान किया था कि जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन बने हैं उनकी मदद से हम जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करवाएंगे, तो मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में चिराग को बीजेपी से बाहर करना चाहती है जेडीयू, कार्रवाई के लिए बीजेपी पर बढ़ाया दबाव। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कभी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार 43 सीटों के साथ ही तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई है। वहीं आपको बता दें कि ऐसा लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा जेडीयू उम्मीदवारों के सामने अपने प्रत्याशी को खड़ा करने के कारण हुआ है। अब जबकि बिहार में फिर से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो चिराग के भविष्य की राह अब बिहार में आसान नहीं लग रही है। जानकारी सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जेडीयू और लोजपा को राजक यानी एनडीए से बाहर करने पर जेडीयू अड़ी हुई है और जेडीयू ने साफ तौर से बीजेपी से कह दिया है कि जब तक चिराग पासवान को बीजेपी अपने गठबंधन से बाहर नहीं करती है तब तक हम बीजेपी से नाराज हैं। यहां आपको बता दें कि अब चिराग पासवान और बीजेपी में फूट डालने की तैयारी में जेडीयू है और जेडीयू ने इसको लेकर बीजेपी पर दबाव भी बढ़ा दिया है कि चिराग पासवान को बीजेपी अपने केंद्रीय गठबंधन से बाहर करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है बिहार से। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कमलनाथ से नाराज हुए राहुल गांधी, छीन सकता है पीसीसी चीफ का पद। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कमलनाथ से राहुल गांधी नाराज हैं। भाई आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली और दूसरी पंक्ति के नेता इस विषय में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इस हार की नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए खुद कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक में खुद नाथ ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया है और उन्होंने तय कर दिया है कि 2023 यानी अगले विधानसभा चुनाव तक वह मध्य प्रदेश में रहकर ही राजनीति करेंगे और जब वह प्रदेश कांग्रेस की राजनीति करेंगे तो लाजमी है कि वह कांग्रेस के सुप्रीमो बने रहेंगे, लेकिन इस मंशा को कांग्रेस हाईकमान की नजर लग सकती है और राहुल गांधी कमलनाथ से नाराज है कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीट
सीटों में से कुल 9 विधानसभा सीटों पर ही कांग्रेस ने जीत हासिल की है और इसी को लेकर कमलनाथ की मुश्किलें अब मध्य प्रदेश में बढ़ गई हैं और पीसीसी चीफ का पद कमलनाथ से राहुल गांधी छीन सकते हैं। इसी बीच बैठो दोस्तों, अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, महाराष्ट्र में सोमवार से खोल दिए जाएंगे सभी धार्मिक स्थल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को ऐलान कर दिया है कि सोमवार से दिवाली के मौके पर सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण मार्च से बंद थे। राज्य सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ये धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी जाएगी। इन स्थलों को खोलने के समय के बारे में अधिकारी निर्णय करेंगे और साथ में धार्मिक स्थल में चरणबद्ध तरीके से लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। दीपावली की लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उद्धव ठाकरे ने एक बयान में कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस रूपी दैत्य आज भी हमारे बीच है, इसलिए सावधानी से हम मंदिर को खोलने जा रहे हैं और सभी सावधानी बरतें और पूजा अर्चना करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से।